हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मेरा नाम है अश्विन और आप देख रहे हैं BFX इंफोफैक्ट। दोस्तों अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वे अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथ ही ये खतरा महसूस होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही 10 खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर तो बैन लग चुका है। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इनका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सन 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नंबर 2, रॉटवीलर। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत तेज़ी से किसी को भी काटने में माहिर होते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवीलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्तों को काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉटवीलर था। यह 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काट सकता है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 3, पेरो दे प्रेसा कनेरियो। दोस्तों अक्सर इसको सबसे मजबूत जंगली और प्रभावशाली कुत्ता बताया जाता है। दोस्तों यह प्रजाति सिर्फ लड़ने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर दूसरे कुत्तों से फाइट करनी हो तो इस प्रजाति को यूज़ किया जाता है। साथ ही इन कुत्तों को फार्म्स और एनिमल्स की हिफाजत के लिए भी रखा जाता है। दोस्तों इस कुत्ते को स्पेन में कैनेरियन कैच डॉग के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड। पुलिस या कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद बच पाना लगभग मुश्किल होता है। इनका वजन 30 से 40 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 5, डोबरमैन पिंशर। डोबरमैन पिंशर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिस या डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते हुए शांत भी हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। इसका वजन लगभग 34 से 45 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 6, बुल मस्टिफ। बुल मस्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच ही होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक करने से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी। इनका वजन 50 से 59 किलो के बीच होता है। हस्की प्रजाति के कुत्ते खूबसूरत, खतरनाक और बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। यह जब आक्रामक मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इन कुत्तों का वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। नंबर 8, माला म्यूट। माला म्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं।
आकार में भेड़ियों के समान दिखने वाले मालाम्यूट का वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामकता से भरे होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच इस कुत्ते के काटने से लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 36 से 43 किलो के बीच होता है। नंबर 9, बॉक्सर। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। इनकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी है। इनका वजन 30 से 32 किलो के बीच ही होता है। नंबर 10, ग्रेट डेन। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण से इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन 54 से 90 किलो के बीच होता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं।